लिए जा रहे हैं रानी जी। रानी खेत में एक छोटी सी झील है जो काफ़ी, जब हम यहाँ पे स्टूडेंट थे ना तब ये वो बनी, इस्टेब्लिश हो रही थी, तो मुझे ईयर तो याद नहीं है कौन से टाइम पे हुई थी। सो आपको उसका रूट दिखाते हैं। एक दो रूट है, एक ठंडी रोड, एक रूट है ठंडी रोड, ठीक है, जो मार्केट से होते हुए क्रॉस करती है और हमें डाइवर्ट होना पड़ता है दीवान सिंह हॉल से। सो ठंडी रूट है, ठंडी रोड से हम जाएंगे सीधे रानी झील। अच्छा नहीं है, ख़राब है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्यूटी ऑफ नेचर, फुल्ली फुल ऑफ ट्रीज, यू नो। देखिए रास्ता बहुत बहुत ख़राब है, हमें जर्क्स लग रहे हैं हल्के हल्के। टफ है यहाँ पे थोड़ा ड्राइव करना क्योंकि बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी हैं और यू नो अब देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत सी जगह है, पूरे ट्रीज ही ट्रीज हैं। जहाँ तक आप रानी झील तक पहुँचने से पहले पहले तक आपको ट्रीज ही मिलेंगे, वो भी डेंस, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल थोड़े थोड़े बहुत हैं। देखिए ऊपर मिलिट्री क्वार्टर्स हैं, ठीक है, कुछ सेपरेट क्वार्टर्स हैं, कुछ कंबाइंड क्वार्टर्स हैं यहाँ पे। ये जो क्वार्टर्स है इस टाइप के, ये अंग्रेजों के टाइम के हैं और ये जो है ये बाद में इन्होंने खुद बनवाए। यहाँ पे ब्लॉक बनाना काफी टफ है क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रही है, काफ़ी गड्ढे हैं यहाँ पे, कोई रोड मेंटेनेंस नहीं हुई है। सो आपको मैं सजेशन करूँगी कि आप पाठक बेकरी से होते हुए उस एक रूट कटता है ऊपर को, आप वहाँ से आइएगा, वो रूट अच्छा है, वहाँ पे काफ़ी मेंटेनेंस है, बट यहाँ पे देखिए गड्ढे हैं, पानी है, इस टाइप के रूट्स हैं। देखिए सामने ऊपर टॉप में ये है ब्रिटिश के टाइम का हाउस, सही, और मैं इस हाउस में रह भी चुकी हूँ। सेम जब मेरे पापा यहाँ पोस्टेड थे तब हम इसी क्वार्टर में रह चुके हैं, काफ़ी लग्जरियस क्वार्टर है यहाँ पे। अब आने वाला है स्प्रिंगफील्ड, एक स्प्रिंगफील्ड स्कूल है, काफ़ी फेमस था हमारे टाइम पे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्कूल है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे टेंपल है, यहाँ पे शादी वगैरह और पूजा होती है। और यहाँ से आपको सामने आर्मी पब्लिक स्कूल दिख सकता है, सॉरी अब इसका नाम आर्मी स्कूल हो गया, आर्मी स्कूल रानी के। ये इसका प्लेग्राउंड दिख रहा होगा आपको यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे हम पूजा करने आते थे जब हम छोटे थे। और ये देखिए ब्रिटिश के टाइम का क्वार्टर, और ये आर्मी स्कूल का जो रास्ता है एक पैदल का, ये देखिए ये यहाँ से जाता हुआ सीधा पैदल ही पैदल आर्मी स्कूल पहुँचा पाए। सो मैं आपको बता रही थी कि ना दूसरा रास्ता है, अगर आप गाड़ी चलाने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं यहाँ से तो आप इस वाले रूट से आ सकते हैं। यहाँ पे दो रूट हैं, एक यहाँ पे देखिए डाइवर्जन आएगा, यहाँ पे गाड़ी काफ़ी, देखिए ये ऊपर जा रहा है ना एक रूट, यहाँ से ये रास्ता सीधे पाठक बेकरी से होते हुए ये रास्ता यहाँ पे मिलता है। और ये देखिए ये हमारा कितने रेसिडेंट था पहले, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, पापा जब मिलिट्री में थे, तो ये हमारा एरिया था पूरा ऊपर, कभी ले जाऊंगी मैं आपको घुमाने। सो देखिए यहाँ पे हम इवनिंग वॉक करते थे, ठीक है, क्योंकि ये एरिया हमारे अंडर पे ही आता था, तो ऊपर से एक पूरा राउंड यहाँ से घूमते हुए पाठक बिक्री से होते फिर अगेन हम अपनी जगह पे पहुँच जाते थे। तो यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, यहाँ पे देखिए प्ले ग्राउंड बन चुका है बच्चों के लिए, और यहाँ पे हम
यहाँ पे नीचे ना एक पानी का झरना है, मतलब सील टाइप की है, झरना तो नहीं कह सकते, सील है। यहाँ से नीचे को रास्ता है और हम यहाँ से पानी भर के ऊपर लेके जाते थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा और मीठा पानी आता था, बहुत बहुत टेस्टी। सामने देख सकते हैं केवी स्कूल दिख रहा है, केवी स्कूल का बैकग्राउंड यहाँ पे। ये है उनका हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल है केवी स्कूल का यहाँ पे, ठीक है। अब हम रानी झील पहुँचने वाले हैं और ये शॉर्टकट है कनोसा स्कूल के लिए यहाँ से, ठीक यहाँ से। पैदल के तो बहुत सारे शॉर्टकट है बट गाड़ी के लिए एक ही रूट है, बस आपको इसी रूट को फॉलो करना है। आप कनोसा स्कूल, मिलिट्री हॉस्पिटल और आगे को इजीली यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ऊपर, ये देखिए ऊपर आज प्रोग्राम हो रहा है APS आर्मी स्कूल का, जिसको मैं अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है आज। ये पूरा मिलिट्री कैंप है पीछे से, बैक साइड से। आपको थोड़ी सी यहाँ पे व्यू दिख गया होगा, यहाँ पे देखिए नीचे रानी झील का, आगे से भी व्यू दिखाते हैं, ठीक है। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, देखिए ये है रानी झील, हाई क्लब रानीखेत का बोर्ड भी लग चुका है, काफी डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ से। माल रोड का भी सेम रास्ता ही है, मैंने आपको बताया था ना ये रास्ते, आपको ये एक ही रास्ता है बट आपको हर मंजिल पहुंचा देगा। अभी हम आर्मी स्कूल ही क्रॉस करेंगे, राइट। आपको मैं आर्मी स्कूल का बोर्ड दिखाऊंगी यहाँ से, ठीक है। अब हम यहाँ से पहुंचने वाले कनोसा कैंट स्कूल, ठीक। फर्स्टली अभी हम पहुंच गए ना शायद, देखिए हाँ ये कनोसा स्कूल के वैंस वगैरह है, ये देखिए कनोसा स्कूल है यहाँ पे, काफ़ी फेमस है ये, ब्रिटिश के टाइम से स्कूल है, ठीक है। ब्रिटिश का ही ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसी में स्कूल है, बट बहुत बढ़िया स्टडी रहती है। आज यहाँ भी प्रोग्राम हो रहा है, हर स्कूल्स में आजकल एनुअल फंक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कनोसा स्कूल का आप देख सकते हैं गेट, अब ये देखिए। हम यहाँ बैठा करते थे काफ़ी, मतलब बहुत जब संध्या टाइम होता है सनसेट, तो बहुत खूबसूरत लगती है जगह। इनको अभी लग रही है अच्छी, ये देखिए आप देखिए आर्मी स्कूल आने वाला है, स्लो कर दीजिएगा। हे गाइस, ये देखिए आर्मी स्कूल, ये हमारी 12th class 8th class यहाँ पे हुआ करती थी, ठीक है। 8th class अब काफी डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ पे, यहाँ पार्किंग एरिया है। माई गॉड, फाइनली आई एम अगेन टू ओवर हियर आर्मी स्कूल। ये देखिए न्यू बिल्डिंग, ओह गॉड, ये सब नया बन चुका है यहाँ पे। काफी एरिया कवर कर लिया, सी द फॉक्स अगर आप देख पा रहे हैं तो। अगर आप रात में इस रोड को कवर करते हैं ना, आपको खरगोश मतलब रैबिट्स और जंगली मुर्गियां और हिरन भी देखा है हमने, है ना, कुछ नाम था उस हिरन का भी, स्टैक, 12 सिंगा भी देख लिया हमने, और यहाँ बाघ भी, बाघ कहते ना पहाड़ों में,
बाग भी जरूर मिलेगा। ये रास्ता ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा और काफी खूबसूरत है। आप यहाँ पे वॉक करिए, मतलब पूरे यू नो लग्जरियस, मतलब पूरी जो नेचर होता है ना, बहुत खूबसूरत, कोई वर्ड्स ही नहीं है इस जगह के लिए। मनकामनेश्वर मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर जो रानीखेत में बसा है। देखिए इसकी छवि बहुत दूर दूर तक दिखती है। मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा पाऊंगी, बट आप उसका बाहर से व्यू देखिए, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये देखिए क्या डेकोरेशन है, और ये रियल है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, रियल है। ये मंदिर है बट मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना है। ये नाइट व्यू है, ये टाइम लैप्स बनाया था हमने मून राइज का, जो हमने लिया है गोल्फ ग्राउंड से।